नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। आप में से बहुत सारे साथियों ने कमेंट में लिखा है कि सीटेट के लिए पेड कोर्स लेना जरूरी है या YouTube से पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सीटेट के लिए क्या करना चाहिए, क्या आपको पेड कोर्स लेना चाहिए या YouTube से पढ़ना चाहिए। उससे पहले आप ये डेटा को देखिए। आप देखेंगे इससे पहले जो सीटेट हुआ जनवरी 2024 में, उसमें पेपर वन में जो कैंडिडेट अपेयर हुए उनकी संख्या था 7,95,231 और जो रिजल्ट हुआ वो हुआ 1,26,845। पेपर टू में आप देखेंगे कि कैंडिडेट जो एग्ज़ाम में अपेयर हुए उनकी संख्या था 14,81,242 और जो रिजल्ट हुआ वो हुआ 1,12,033। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो रिजल्ट का रेशियो है काफ़ी कम है। फिर आप इस डेटा को भी देखिए। अब आप यहाँ पे देखिए, ये एक CDP का मैराथन है जो 3 महीने पहले का है और आप इसका व्यू देखेंगे तो 2.7 मिलियन व्यू गया है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी 3 महीने पहले का एक दूसरा मैराथन है जिसपे 4.6 मिलियन व्यू है। तो इस चीज़ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि स्टूडेंट पढ़ तो रहे हैं, इतनी संख्या में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अगर 4.6 मिलियन स्टूडेंट CDP का वीडियो देखे हैं तो इनकी संख्या पढ़ने वाले की कमी तो नहीं है। अगर वो वीडियो देख रहे हैं CDP का तो पढ़ जरूर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इंटरटेनमेंट तो होता नहीं है कि वो इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे आए होंगे। फिर रिजल्ट कम क्यों है? ये दो डेटा देखने के बाद आपको दो चीज समझ में आ गया होगा कि सीटेट के लिए काफी स्टूडेंट पढ़ते हैं फिर भी उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है। अब समझना ये है कि रिजल्ट का रेशियो इतना कम क्यों होता है। देखिए, कोई भी आप पेड कोर्स लेते हैं उसका लिमिटेशन है। मार्केट में ढेर सारे पेड कोर्स अवेलेबल है जिसमें बड़े बड़े एजुकेशन में जो कंपनियां हैं उनका पेड कोर्स है और कुछ बड़े यूट्यूबर हैं जिन्होंने अपना पेड कोर्स लॉन्च किया। स्टूडेंट उनका पेड कोर्स खरीदते हैं और स्टडी भी करते हैं फिर भी रिजल्ट का रेशियो कम है। ऐसा क्यों है? क्या पेड कोर्स लेने से रिजल्ट होगा या यूट्यूब से भी रिजल्ट हो सकता है? इस चीज को समझना है। देखिए, अगर आप किसी का भी पेड कोर्स खरीदते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि वो जो पेड कोर्स आपको दिया जा रहा है उसका एक अमाउंट फिक्स होता है और सभी चाहते हैं कि उनका पेड कोर्स जो लंच वो कर रहे हैं कि सस्ता में हो। इसके लिए वो क्या करते हैं कि अमाउंट तो कम कर देते हैं और आपके साथ जो आपको वो टीचर दे रहे हैं उनके साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं। आप देखते होंगे कि जो भी पेड कोर्स आप खरीदेंगे उसमें 2-3 टीचर अच्छे होंगे, उसके बाद जो टीचर होंगे उनका चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। आपको लगेगा कि इनसे पढ़ के टाइम वेस्ट हो रहा है। न तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, न उनको गहराई में सिलेबस का नॉलेज होता है जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम का। सीटेट में सिलेबस से बाहर अगर आप पढ़ रहे हैं और सिलेबस का अनुभव आपको नहीं है या आपको जो टीचर पढ़ा रहा है उनको भी सिलेबस का अनुभव नहीं है तो आपका टाइम बर्बाद होगा। मतलब रिजल्ट में वो आपको बेनिफिट नहीं करेगा, टाइम भी बर्बाद होगा, पढ़ेंगे भी और रिजल्ट भी बर्बाद होगा। देखिए, अगर आप YouTube से पढ़ते तो आपके पास ऑप्शन होता जो टीचर से आपको समझ में आता है उस टीचर से पढ़ने का। लेकिन अगर पेड कोर्स लिए हैं तो 2-3 टीचर बड़ी बेहतर है, बाकी जो टीचर है उनसे पढ़ रहे हैं जबकि वो उस चीज के लिए है ही नहीं, उस कोर्स के लिए भी नहीं है। कई दफा तो ऐसे ऐसे टीचर से पेड कोर्स में पढ़वा दिए जाते हैं जो टीचर कभी सीटेट खुद नहीं दिए हैं। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि एक वीडियो इस चैनल का देख लिए हैं तो दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो कोई दूसरे टीचर से कोई दूसरे चैनल का आप देखते हैं जो आपको समझ में आता है। और पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि किस टीचर का कितना नाम है या किस टीचर कितना फेमस है उसके जगह आप ये देखिए कि किस टीचर से आपको समझ में आ रहा है, किसका लैंग्वेज आपको कनेक्ट कर रहा है। तो अगर YouTube से पढ़ोगे तो ये फायदा आपको होगा। नंबर 2, अगर आप पेड कोर्स लिए हैं तो वहां पे क्या होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि वो जो रफ्तार है कोर्स का उनके अकॉर्डिंग होगा। मैंने देखा है कि कई पेड कोर्स में शुरुआत के दौर में कुछ बढ़िया अच्छे अच्छे टीचर ही पढ़ाते हैं और बाकी टीचर के लिए बोला जाता है कि बाकी क्लासेस जल्द शेड्यूल होगा और वो काफी लेट शेड्यूल होता है। अगर अभी आपका एग्जाम में टाइम है तो वो ऐसे सिलेबस को आपका कंप्लीट करवाएंगे एग्जाम से कुछ दिन पहले सिलेबस कंप्लीट होगा। तो अगर आप एग्जाम से ही कुछ दिन पहले सिलेबस कंप्लीट करोगे तो फिर आप प्रैक्टिस कब करोगे, PYQ प्रैक्टिस कब करोगे? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपके पास ये चीज का सुविधा होना चाहिए और ये चीज आपके हाथ में होना चाहिए कि आप जितना जल्दी हो सके कोर्स को कंप्लीट कर लो। तो इसके लिए आपको YouTube का सहारा लेना पड़ेगा। YouTube पे ढेर सारे वीडियो है सभी सब्जेक्ट का। अगर आप वहां से वीडियो देखोगे ना, जो पहले का वीडियो अपलोड है, तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, जितने बार है मन वो देख सकते हो और जितना जल्दी देखना है वो भी देख सकते हो, क्योंकि उन्होंने पहले का कोर्स करवा रखा है। इससे पहले वाले सीटेट के लिए अगर पूरा कोर्स करवा रखा है तो आप उसको देखिए,
क्योंकि जितना जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे उतना पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, और रिजल्ट के लिए ना पेड कोर्स काम देगा ना यूट्यूब काम देगा, पीवाईक्यू काम देगा। जिसने जितना पीवाईक्यू सॉल्व किया उसका रिजल्ट होगा, इस बात को आप समझ लीजिए। अगर आप ये भी सोच रहे हैं ना कि सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देख देख के रिजल्ट हो जाएगा, तो मैंने इससे पहले आपको डेटा दिखाया ना कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, उसके बावजूद रिजल्ट का रेशियो आप देख रहे हैं कितना कम है। तो पीवाईक्यू जिसने सॉल्व किया उसका रिजल्ट होना है, तो आपको इससे भी बचना होगा, क्योंकि अगर पेड कोर्स में आप फंसेंगे तो वो लंबे समय तक खींचेंगे आपको, और उसके चक्कर में आपका सिलेबस लेट कंप्लीट होगा तो आप पीवाईक्यू सॉल्व कर नहीं पाओगे, प्रैक्टिस उतना कर नहीं पाओगे, कम प्रैक्टिस होगा तो फिर आपको ये दिक्कत करेगा। एक प्रॉब्लम ये होता है पेड कोर्स में, मैंने देखा है कि लोग सिलेबस को खींचते हैं, जो नहीं पढ़ाना है जो जरूरी का नहीं है वो भी पढ़ाते हैं। आप अक्सर पेड कोर्स में देखोगे कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं, हिंदी ग्रामर पढ़ा रहे हैं, वो भी डेप्थ में, जबकि इंग्लिश और हिंदी ग्रामर उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम में आ रहा है, इसके अलावे नहीं पढ़ना है। लेकिन वहां पे पढ़ाए जा रहे हैं और विद्यार्थी पढ़ भी रहे हैं, उनको लगता है कि शायद टीचर पढ़ा रहे हैं तो यही चाहेगा, पर आपका टाइम भी जा रहा है, मेहनत भी जा रहा है, और आपकी ये रिजल्ट में बेनिफिट नहीं करेगा। नॉलेज होना अलग बात है, आप मान लीजिए ग्रामर पढ़ लिए, ग्रामर का नॉलेज आपको आगे काम देगा, ठीक है भाई, आगे कल आगे देखेंगे ना, पहले तो रिजल्ट हमको देखना है। ये नहीं ना है कि हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पढ़ किसी चीज और के लिए रहे हैं। पढ़ा हुआ तो कोई भी चीज खराबी नहीं करता, वो सबको पता है, लेकिन अभी किसके लिए पढ़ना है, सीटेट के लिए, तो हमको फोकस किस पे होना चाहिए, सीटेट पे मार्क्स लाने पर। तो इसका जो सिलेबस है वही पढ़ेंगे ना, कि दुनिया का चीज लेके बैठ जाएंगे, ज्ञान तो बहुत सारा आता है, ज्ञान है तो हम क्या करें, पूरा ज्ञान एक बार में बटोर तो सकते नहीं है ना। तो इस चीज को देखिए कि आपका जो भी पेड कोर्स आप लिए है, क्या वो सीटेट का सिलेबस और पीवाईक्यू से मिलता है? सीटेट के सिलेबस के साथ पीवाईक्यू काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपका कोर्स पीवाईक्यू पे बेस्ड होना चाहिए। नहीं बेस्ड है तो फिर आपका ये टाइम बर्बाद करेगा, आपका रिजल्ट काफी डैमेज होगा। यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम नॉर्मल ये होता है बहुत सारे लोगों के साथ कि उनके पास वाईफाई नहीं होता, तो पेड कोर्स में जो वो वीडियो देखते हैं ना, काफी ज्यादा वो MB लेता है, काफी डाटा यूज करता है, जिसके कारण उनका डाटा खत्म हो जाता है, वो पूरा वीडियो देख भी नहीं पाते हैं। तो आपके पास YouTube पर ढेर सारा ऑप्शन है जहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, और सीटेट के लिए YouTube बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे टीचर हैं, ढेर सारे कंटेंट है, आपके पास ऑप्शन है कि आपको जिसका नहीं समझ में आ रहा है उसको स्किप कीजिए, दूसरे टीचर के पास जाइए, उनका वो चीज समझिए। तो पेड कोर्स में फंसने से बेहतर है कि आप यूट्यूब का सहारा लीजिए। यूट्यूब पे अच्छे अच्छे टीचर का वीडियो है, जिस टीचर का आप पेड कोर्स ले रहे हैं वो खुद यूट्यूब पे फ्री में क्लास करवा चुके हैं, पहले भी अभी भी करवा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, आप यहां से भी तो पढ़ ही सकते हैं। तो मेरी राय में पेड कोर्स से बेटर यूट्यूब है सीटेट के लिए, लेकिन देखना आपको है, अगर आपको लगता है कि आपको पेड कोर्स लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। देखिए सीटेट के सिलेबस में कंटेंट और पेडागोजी दोनों आता है, तो कंटेंट के लिए भी और पेडागोजी के लिए भी आप देखें, अगर पेड कोर्स ले रहे हैं तो दोनों चीज जहां पे ढंग से करवाया जा रहा है वही पढ़े, और उन्हीं का पेड कोर्स ले अगर ले भी रहे हैं तो। क्योंकि बहुत पेड कोर्स में हमने देखा है कि कंटेंट तो पढ़ा लेते हैं, पेडागोजी को कैसे भी टाल मटोल के निकल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों चीज जहां पे आपका कंप्लीट हो रहा है वहीं से पढ़े बेहतर होगा। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो आप देखिए कि कंटेंट के लिए कोई और टीचर का सहारा लीजिए, वीडियो जो अगर मान लीजिए कोई अलग टीचर पेडागोजी पढ़ा रहे हैं तो कंटेंट किन्हीं और टीचर से पढ़ने के लिए आप सर्च मारिए, NCERT जो भी क्लास का पढ़ना है उसे पढ़ लीजिए, या साइंस क्लास 6, 7, 8 का पढ़ना है, या मैथ 6, 7, 8 का पढ़ना है तो वहां पढ़ लीजिए, आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर जिन्होंने पूरा पूरा कोर्स करवा रखे हैं। बहुत सारे चैनल है जो पूरा पूरा फ्री कोर्स लॉन्च करते हैं, इस बार के लिए भी वो लॉन्च किए हैं, पहले के लिए भी फ्री वो कोर्स लॉन्च करते हैं, तो वहां देखिए, वहां पे आपके पास ऑप्शन है, नहीं समझ में आएगा तो स्किप करके दूसरे यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हैं। तो मेरी राय में आपको पेड कोर्स से बचना चाहिए सीटेट के लिए। इसके अलावा भी आपको अगर लगता है कि नहीं हमको पेड कोर्स से ही होगा तो आप ले सकते हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन था जो आपके साथ शेयर किया, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं वही 100% सही होगा, आप अपना अपना भी देखिए कि आपको क्या बेटर लगता है। तो इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।